हज पे आए हैं, 3 महीने की बच्ची को छोड़ के, तो दुआ की दरख्वास्त, अल्लाह पाक आपको भी सलामती से हज नसीब करे और अल्लाह उस बच्ची की सीयत हिफाजत इज्जत की हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह। जो हज के लिए छोड़ के आते हैं ना, उनका निगहबान भी अल्लाह होता है। कहते जी कि जीवाल का वक्त यूँ समझ लें कि आजकल अजान होती है 12 बज के तकरीबन 12 बज के 20 मिनट पे, तो यूँ समझ लें कि 12 बज के 10 मिनट पे जीवाल हो जाता है। हनफी मसलक में जुमा नमाज के पहले जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो आप ऐसा करें ना जी कि जीवाल के बाद पढ़ लें, क्योंकि यहाँ मौका नहीं मिलता, यहाँ तो इमाम आग में बैठेगा तक अजान हो जाएगी। और कायदा यह है कि जब इमाम आ जाए तो फिर ना कोई नमाज पढ़े और ना कोई बात करें। कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें रिज्क तो बहुत दिया है लेकिन हम मुल्क से बाहर हैं, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ रहते हुए भी आपको दीन पर पाबंद रखे, इस्तकामत नसीब करे दीन की। वसीला जो है ना, हमेशा याद रखें कि हजूर पाक ने कभी किसी पैगंबर के वसीले से दुआ नहीं की, तो दुआ जब भी करें रब्बना ज़लमना अनफुसना, सीधी अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, अल्लाह से, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादे हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा, यानी सारी दुआएं अंबिया की मौजूद हैं, किसी में भी उन्हें वसीला नहीं पकड़ा कि आदम का वसीला, खलील का वसीला, इस्माइल का। तो इसलिए दुआ हमेशा बराह रास्त अल्लाह से मांगा करें। लेकिन एक बात याद रखें कि जब दुआ करनी हो ना, तो ये नहीं है कि आप दुआ करें आपको पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। दिल और दिमाग मुत्तफिक हो और पूरी तवज्जो के साथ गौर करके अल्लाह से मांगें, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। मांगने की हम मांगने की कोताही करते हैं, उसमें देने की तो कोई कोताही नहीं है। कहती एक बीबी कहती हैं कि मुझे शक रहता है कि कपड़े पाक हैं या नहीं हैं, मसलन हम गुसल खाने में जाते हैं तो लीकेज की वजह से ना पता चलना कपड़ों पर कतरे पड़े हैं या नहीं। कोई ऐसी बात नहीं, अपनी तरफ से एहतियात करें, बस अपनी तरफ से एहतियात करें, अगर कोई छिटे पड़े हैं तो धो डालें उसको। और आजकल तो खैर हमाम भी अच्छे बन गए हैं कि कमोड अलग है और वजू की जगह अलग है, तो कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल आपकी एहतियात अच्छी है कि आपको फिक्र है। कहते हैं जी कि सफा मरवा के दौरान हमने भूल कर जुराब जो है आधी वाली वो पहन ली थी, सही हो जाएगी, कोई जुर्माना नहीं इंशाअल्लाह। अगर हालत एहराम में हम हरम के बाहर किसी होटल पे बैठ के खाना खाते हैं तो वो टिश्यू देती हैं तो खुशबू वाला होता है, तो कभी भूल के उससे हाथ साफ कर लेते हैं तो फौरन धो डालें, एहतियात करें। मेरे दोनों बेटों के लिए दुआ करें, अल्लाह हर मुसलमान के बच्चे को सालेह बनाए, आलिम बनाए, मुत्तकी बनाए और परहेजगार बनाए। अगर आदमी ने एहराम की हालत में रुकने यमानी को हाथ लगाया है, अगर हाथ पे अतर लग जाए तो धो डालें, न लगे खुशबू तो सारे काबे के खिलाफ में आती रहती है। अगर हम अपने मरहूमीन के लिए तवाफ़ करें जायज़ है, तवाफ़ करें या उम्रा करें जो भी करें, जब हज बदल जायज़ है तो बाकी भी जायज़ है। अगर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आ जाए तो मुश्किल के हल के लिए हसबुनल्लाहु व नेमल वकील,
हसबुनल्लाहु व निअमुल वकील, क्योंकि जब भी मुश्किल वक्त आया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने पढ़ा हसबुनल्लाहु व निअमुल वकील। बीबी आयशा पे जब तोहमत लगी उनने भी पढ़ा हसबुनल्लाहु व निअमुल वकील। सहाबा जब उहद में थे उनको खबर मिली कि दुश्मन का और लश्कर आ रहा है तो उनने भी पढ़ा हसबुनल्लाहु व निअमुल वकील। तो ये पढ़ा करें, इंशाअल्लाह सब मुश्किलें सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर हमारा क़याम मक्के में 14 दिन से भी ज़्यादा है तो आप मुकीम हैं, आप मुकीम के हुक्म हैं। बल्कि उलमा ने लिखा है कि अगर मक्के के दिन और मीना वाले दिन मिला लें तो फिर भी आपके 14-15 हो जाते हैं, मुकीम हो जाएंगे आप। नरीना औलाद के लिए जो कुरान में दुआ है ना जी, रब्बिल आतदरनी फर्तम व अंत खैरुल वारिसीन, ये दुआ क्या करें। और बाल बुजुर्गों का अमल है मुजर्रब के सूरत यूसुफ जो है इसको औरत भी पढ़े मर्द भी पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह औलाद देंगे। कुर्बानी का क्या करें, सबसे अफजल ये है मेरे भाई कि अपने हाथ से कुर्बानी करें। अगर आपने किसी को देनी है, यहाँ याद रखना यहाँ भी बड़े बड़े ब्रोकर हैं हमारे, बड़े माफिया बना हुआ है, लोगों से पैसे ले लेते हैं कुर्बानी नहीं करते। 400-500 बकरी के पैसे ले लेंगे, उनकी तो साल की कमाई हो गई ना, इतनी तो तनख्वाह भी नहीं ले सकते। तो लेकिन कुर्बानी 400 हो तो 40 करके 2 सिफरें अपनी लगा देते हैं, इसलिए किसी पर एतबार न करें। अगर किसी पार्टी के ज़रिए आप कर रहे हैं तो उससे शर्त करें कि ये आधे पैसे ले लो, आधे पैसे हमारे सामने जिबे करोगे तो हम देंगे, और बाकी बैंक का जो है उनकी तो तरतीब कायम रहती नहीं। हनफी मसलक में तरतीब ज़रूरी है, बैंक तो तरतीब रख ही नहीं सकता ना, जिसने 2 लाख बकरी दी करनी हो, अगर एक बकरी को 1 सेकंड भी दें तो 2 लाख सेकंड के कितने दिन बनेंगे, वो तो इंशाल्लाह मुहर्रम में भी करते रहेंगे। हज करने के बाद एहराम की हालत में हम अपने सर पे खुद उसला फेर सकते हैं या फेर सकते हैं। बगैर उम्रे के सिर्फ नफली तवाफ के लिए लोग चादरें बांध लेते हैं, भाई अल्लाह कबूल करे और क्या हो सकता है, क्योंकि और कोई हल नहीं है ना जी। और अगर हुकूमत पाबंदी ना करे तो किसी को भी फिर नसीब नहीं होगा, इसलिए बहरहाल तवाफ तो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। अज़ान मगरिब के बाद जो 2 रकात पढ़ते हैं ये इन आइम्मा के नज़दीक है, अहनाफ के नज़दीक नहीं है, बल्कि एक कौल में मुस्तहब है कि पढ़े पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े। 1 लाख नमाज का सवाब जो है वो हुदूद हरम में है। आप खुद अंदाज़ा करें कि जो नमाज आप जमात से पढ़ेंगे वो 37 लाख का सवाब मिलेगा, और इसी तरह अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 37 लाख को 5 नमाजों से ज़रब दें तो आपकी एक दिन की कितनी नमाजें बनती हैं। और दूसरा ये भी मसला समझ लें कि सवाब जो है 1 लाख का वो फ़र्ज पे होता है, नफिल पे नहीं होता। और इसी तरह बाद अम्मा के नज़दीक ये मर्दों के लिए है, औरतों को नहीं होता है, औरतें घर पे बैठ के नमाज पढ़ें। ठीक है जी, अगर 39 बकरियों पे ज़कात बिल्कुल ठीक है, नहीं है 40 हो जाए तो फिर एक है उश्र है, ज़मीन पर उश्र है, ज़मीन की ज़कात नहीं होती, उश्र होता है। कितने हिस्से पर नहीं, आप ज़मीन खुद काश्त करते हैं जो निकलेगा उसका 10वां हिस्सा देंगे। इस्लाम ने शराब की ममानियत कर दी लेकिन ग़ुलामी को ख़त्म नहीं किया, इससे बड़ी ग़ुलामी को कौन ख़त्म करेगा जितनी हजूर पाक ने ख़त्म की है। आपने तो ग़ुलामों को इतना ऊंचा मर्तबा दिया कि जब मक्का फतह हुआ हजरत बिलाल से कहा था कि छत पे खड़े हो गया अज़ान दो, पता लगे कि ग़ुलाम आज़ाद हो गए हैं। तवाफ़ ज़ियारत के बाद
जो सफा मरवा दौड़ी जाती है वो हज से पहले भी हम दौड़ सकते हैं, हाँ अगर पहले नफली तवाफ़ करके एहराम बांध के फिर उसी एहराम में रहेंगे आप, सफा दौड़ लें तो फिर दोबारा आके तवाफ़ करेंगे, सफा नहीं दौड़ेंगे। लेकिन देखो याद रखो मुश्किल तो तवाफ़ है, सफा मरवा तो फिर भी दो तीन चार मरला है, उसमें तो फिर भी गुंजाइश निकल आती है, इसलिए तरतीब वही रखें, तवाफ़ करें फिर सफा दौड़ें। तवाफ़ ज़ियारत के लिए एहराम तो हमारा मीना में खुल जाएगा ना, पाबंदी ख़त्म हो गई, जब हम मीना में आ गए और हमने कनकनी मार ली, कुर्बानी कर ली, हल्क करा लिया, कपड़े पहन लिए, फिर तवाफ़ ज़ियारत कपड़े पहन के करेंगे। मुझे कैंसर की तकलीफ़ है, मोहम्मद साकिर रज़ा कोई है, अल्लाह पाक शिफाए कामला सियत आज लाता फरमाए, इसके इलाज के लिए बहुत बड़े अल्लाह वाले ने लिखा है कि कुरान की जो आयत है लैसा लहा मिन दूनिल्लाह काशिफा, इस आयत को 1001 दफ़ा पढ़ के बड़े पानी के ढोल पे दम कर दें, वही पानी पीते रहें, जब वो ख़त्म हो तो फिर और पढ़ लें, इंशाअल्लाह कैंसर ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह पाक हर मुसलमान के रिज़्क में बरकत दे और रिज़्क हलाल अता फरमाए। कहते हैं जी कि हम लोग अजीज़िया में रहते हैं, अजीज़िया से एहराम बांध के उमरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अजीज़िया तो हरम में है, एहराम के लिए हरम से बाहर जाना ज़रूरी है, या जेराना जाएँ या मस्जिद आयशा जाएँ। अजीज़िया तो मक्के का एक मोहल्ला है। हज तमत्तो करने वाली औरत जो है आर्ज़ुल हज को अगर अय्याम हैज़ हों कोई बात नहीं, दो रकात ना पढ़े, नियत कर ले लबैक पढ़ते हुए चली जाए, मीना जाए, अरफात जाए, मुज़दलिफ़ा जाए, कनकरियाँ मारे, जब पाक हो तो फिर तवाफ़ और नमाज़ पढ़ेगी। हज की शहादत नसीब कर, अल्लाह सबको नसीब करे। हमने मक्के पहुंच के उम्रा कर लिया है, अब अगर हम दोबारा उम्रा करना चाहें जेराना से कर लें, मस्जिद आयशा से कर लें, क्योंकि उम्रा जो है ना बार बार करना, एक हदीस मुबारक में आता है कि हुज्जुन नसक व उमरुन ततर यनफियानिज़्ज़ुनूब वल फ़क़्र, कि बार बार उम्रा जो है ये गरीबी को मिटा देता है। हमारे वालिदैन कोरोना की जब बीमारी फैली थी उससे पहले एहराम बांध के मदीने से मक्के आए, लेकिन हुकूमत ने रोक दिया, तो अब जब अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी हो गई है उम्रा भी करें और दम भी दें, इसको कहते हैं दम एहसान, अगर रोक दिया जाए फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसर मिनल हदी, मैंने 5 चक्कर लगाए तवाफ़ के, फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने तो नियत ही नहीं की थी, तो फिर मैंने दोबारा नियत करके पूरे कर दिए, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग इमाम के पीछे जुमा की फजर की नमाज में जब उन्होंने सूरत सजदा पढ़ी वो सजदे में गए, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते थे तो वो रकू में चले गए, जो रकू में भी गए उनकी भी नमाज हो गई, जो रकू में नहीं गए खड़े रहे तो उनकी नमाज नहीं हुई। औरत को घर में नमाज पढ़ना अफजल है, और मर्दों की सब में मिल के भी न खड़े हों, अगर औरत आ जाए आगे या मुहाजात पे तो हनफी मसलक में तो नमाज ही नहीं होती। मेरी वालदा दिल की मरीज़ा है, हमने ECG वगैरह कराया है, डॉक्टर कहते हैं कि दिल कमज़ोर है, बहरहाल अल्लाह उनको शिफाए कामला अता फरमाए, तो एक
बुजुर्ग ने लिखा है कि या कवियो अल कादिरो अल मुक्तदिरो कव्विनी व कव्वे कल्बी, ये पढ़ के सीने पे हाथ रख के हर नमाज के बाद 7 दफ़ा, तो इंशाअल्लाह तकलीफ नहीं होगी। मैं भीतर ऐसे पढ़ती हूँ कि दूसरी रकात में कादा नहीं करती। बहरहाल फसल भी जायज़ है और वसल भी जायज़ है। कहते जी अनार का छिलका जो है आप 7 दिन इस्तेमाल करें, दिन में 2 मरतबा कैप्सूल की मकदार में, तो इंशाअल्लाह आपकी पेशाब की तकलीफ ठीक हो। ठीक है जी, इंशाअल्लाह बड़ी मेहरबानी। मैंने अपने बेटे का नाम जयान बदले जुहान रखा है, मुझे नहीं पता जुहान क्या होता है, इसको आप बदल दें रैयान कर दें। असल लोगों को आदत हो गई है कि नया नया नाम ढूंढते हैं। काफ़ी पुरानी बात है, मेरे पास एक आदमी आया बड़ा मौजूद पढ़ा लिखा, कहने लगा जी मुझे अल्लाह ने बच्चा दिया है, तो उनका टेलीफोन आया था कि भाई मक्की साहब से नाम लिखवाएं, लेकिन आप मुझे नाम ऐसा बताएं जो दुनिया में किसी का ना हो। मैंने कहा जी फिर इबलीस रख लो। कहते जी क्या मतलब कि इबलीस किसी का नाम है? अजीब आदमी हो भाई, अंबिया के नाम पर नाम रखने चाहिए, क्या मन है किसी का नाम ना हो। अगर नफली तवाफ कर रहे थे, 4 चक्करों के बाद वजू टूट गया, तो वजू करके वहीं से फिर पूरा करें। हमें होटल वालों ने कहा है कि हमें 7 और 8 की रात को मिना ले जाएंगे। बहरहाल अफजल तो ये है कि 8 की सुबह को जाएं और जुहर से पहले पहुंचें, लेकिन आजकल इतना रश है कि अगर वो 8 को भेजेंगे तो अब 9 को भी नहीं पहुंचेंगे, इसलिए बेहतर होता है कि रात को ज़्यादा से ज़्यादा हाजी निकल जाते हैं। एहराम में जब बाल काटना मना है तो जब सफ़ा मरवा दौड़ लेता है उसके बाद अपने बाल क्यों काटते हैं? सफ़ा मरवा दौड़ लेते, एहराम तो अब ख़त्म हो गया ना, अब तो एहराम से निकलना है। जनाजे में 4 तकबीरें हैं, रह जाए तो जब इमाम सलाम फेर ले आप वो तकबीरें पूरी कर लें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सलाम अलैह। औरतों का नमाज घर में पढ़ना हरम से अफजल है। अल्लाह के बंदे जहाँ वो बैठी हैं ना, वो भी हरम है, पूरा मक्का हरम है। 8 दिन हज को हम एहराम अजीजिया से बांध के मीना जाएं, कोई बात बांध सकते हैं। खाना कावा को देखना सवाब है, लेकिन दौराने तवाफ नजर नीचे रखें। क्या अगर हम वकूफ मुज़दलफा के बाद सीधा मक्के आ जाएं और आगे तवाफ करें, कुर्बानी करें और फिर अपना जाके रमी करें, ठीक कोई बात नहीं। जो फौत हो गए उनके लिए बकरी रखनी है बनियत की, यार एक का सवाब फलां को मिले। मैं उम्रे के लिए आया हूँ, दौराने तवाब मैंने काबे शरीफ को हाथ लगाया था, कोई बात नहीं। जो लोग हज पे आए हैं वो अपनी वालदा जो फौत हो गई है उसके लिए उम्रा करना चाहे कर सकते हैं। तवाफ़ जो है ना, अगर जितनी देर उम्र में लगाते उतना तवाफ़ करें, तवाफ़ अफजल है। कहते जी कि यहाँ देखा है काफ़ी लोग सो जाते हैं, जब तकबीर होती है तो खड़े होकर नमाज में, अगर नींद आ गई थी तो फिर तो वज़ू टूट गया, नींद नहीं आई वैसे सोए हुए थे तो कोई हर्ज नहीं। सबके नज़दीक नींद आने से वो टूट जाता है।
अरफात में जो इमाम खुतबा देंगे, पता नहीं अल्लाह आलम, क्योंकि हर साल मुख्तलिफ आते हैं, मैंने कुर्बानी की रकम बैंक में दे दी, बस अब अल्लाह कबूल करे और क्या है, और कोई हल तो नहीं है ना। वैसे होगी इंशाल्लाह एक महीने के बाद। एक आदमी माजूर है, चारपाई पर है, उसका हज ये बदल हो सकता है? हो सकता है। हैज की हालत में अगर कनकरियाँ मार के कुर्बानी करके एहराम की पाबंदी खत्म हो गई, एहराम की हालत में नफली तवाफ करना सही है? बिल्कुल सही है। मस्जिद निमरा में इमाम ज़ुहर और असर इकट्ठी पढ़ेंगे, अगर आप मस्जिद में पहुंच जाए आप इकट्ठी पढ़ लें, कोई बात नहीं। अगर एक इमाम के कॉल पे अमल हो गया तो कौन सी मुश्किल हो गई। और अगर आपको इतना बड़े सख्त मसलक पर हैं तो अपने खेमे में पढ़ें। मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे आए हैं, मियाँ जो है वो पैदल हज करेंगे और बीवी जो है वो सवारी पे करेगी ताकि उसको तकलीफ ना हो। बीवी का फिक्र है, उसको सवार करेगा, खुद पैदल चलेगा बेचारा। नमाज़े जनाजा में हनफी मसलक में सूरत फातिहा नहीं है। जो लोग फौत हो गए उनके लिए तवाफ हज बदल कर सकते हैं, कुर्बानी में भी हिस्सा डाल सकते हैं। उमरा जो है लाजिमन मीकात से एहराम बांधना होगा। मेरा बेटा जो है वो बीमार, अल्लाह उसको शिफाए कामला अता फरमाए। अजीज़िया जो है वो हुदूद हरम में दाखिल है, वो तो हरम का एक मोहल्ला है। कहते जी कि हमने बैंक में जमा कराए हैं पैसे, वो सबको 10 बजे का टाइम दे रहे हैं। माशाल्लाह, आप खुद अंदाज़ा कर लें कि उसी एक टाइम में 2 लाख बकरी वो कर देंगे दिन में। मेरी वालदा की फ्लाइट है हज की, लेकिन बीमार हो गई, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह शिफा दे। हज के लिए आया हूँ तो गंदे गंदे ख्यालात आते हैं। साफ बात है, जब आप नेक काम करते हैं तो शैतान तो अपनी मेहनत करता है ना, तो ला हौल पढ़ा करें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियल अज़ीम। हज के लिए आया हूँ, कैफियत में तब्दीली नहीं आती, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें, किसी अल्लाह वाले के साथ बैठें, उसके साथ नमाज़ें पढ़ें, उसके साथ बैठ। तो एक बुज़ुर्ग गए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, उन्होंने कहा कि भाई बुज़ुर्गों की सोहबत ज़रूरी है। तो उसने कहा हज़रत फजीलत तो ज़िक्र की है, बुज़ुर्गों की सोहबत क्यों ज़रूरी है? फरमाया अगर तलवार हाथ में हो तो काटेगी तो तलवार, लेकिन किसी के हाथ में होगी तो काटेगी ना, अगर हाथ में ना हो तो क्या काटेगी? अल्लाह वालों की सोहबत से ज़िक्र कबूल होता है। असर के बाद अगर हम तवाफ़ करें और फारिग हो जाएं, अफजल ये है कि मगरिब के बाद 2 रकात पढ़ें, लेकिन अगर किसी ने पढ़ ली है तो इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेंगे। ट्रेनिंग में हमें बताया गया था कि आप ईद की नमाज नहीं पढ़ी, ईद का वक्त कहाँ मिलेगा? जब वक्त ही नहीं होगा तो पढ़ेंगे क्या? जुमा की अजान दीवार से पहले हो जाती है तो आप थोड़ी सी लेट करते सुनते पढ़ लें। अगर 10 तारीख को तवाफ़े ज़ियारत कर लेने के बाद हम अपने अजीज़िया वाले महल पे जाके कपड़े वगैरह बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं।
भाई आप ताहिर वाली से हैं, ठीक है जदाकल्ला, जब भी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हूँगा ना, तो ये घंटा डेढ़ घंटे में मुलाकात ना भी हो तो फिर अलहदा मिल लें। इस्तग़फ़ार जो है जो भी आपको आता हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बिल अज़ीम मिन कुल्ली ज़न्बिन वअतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वअतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो भी है पढ़ो बस। कहते जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे नस्वार रखने की आदत है, कोशिश करें बचने की। तवाब में अगर हम इस्तेमाल शुदा चप्पल जो है वो दूसरी मंजिल पे, चूँकि बड़ा लंबा सफ़र है, पहन लें कोई हर्ज नहीं। जिंदा के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको तवाफ नसीब करे। अगर बेटा साहेब हैसियत है उस पर लादिम है कि वालदैन को हज कराए, वो सआदतमंद बेटे तो लादिमन कराते हैं, अगर वो नहीं कराता तो उसकी बदकिस्मती है। अगर हमने उमरा करना हो तो जेराना जाएं, ताइफ जाएं, मस्जिद आयशा जाएं। एक उमरे के बाद दूसरा उमरा कितने दिनों के बाद करें कोई हर्ज नहीं, दूसरे दिन भी कर सकते हैं। सलात हाजत मिला के बाबीन के साथ पढ़ें, पढ़ें बिल्कुल। हमारे पड़ोसी की वालदा बीमार है, अल्लाह शिफा दे। मेरे भाई का बेटा हुआ है, अल्लाह तबारक व ताला उसको साले बनाए, अच्छा बनाए। किसी सहाबी के नाम से नाम रख लें, हजरत बिलाल है, हजरत सुहैब है। मेरी बीवी मुझसे बहुत लड़ती है, वो बीवी क्या हुई जो लड़े ना। नजरे बद से बचने के लिए ला हौल ज़्यादा पढ़ें। मेरे बेटे की 2 महीने की नमाजें कज़ा हो गई थी, वो फौत हो गया है, तो नमाजों के बदले में सदका दे दें। अल्लाह सबके बेटों को साले बनाए। हज से पहले नियत वालदा का है तो उसी की करेंगे। अगर एहराम की हालत में गुस्ल दोबारा करने के बाद सिर को तौलिए से साफ करें कोई हर्ज नहीं। कोशिश करोगे ना बस खुद ब खुद 5 मिनट के बाद सूख जाएंगे। दुआ अल्लाह से सीधे मांगा करें। अगर कोई एहराम की हालत में दाढ़ी का बाल गिर गया कुछ नहीं होता। अल्लाह तबारक व ताला आपको जो आपने दुआएं मांगी हैं अल्लाह कबूल फरमाए। अगर असर के बाद हम 2 तवाफ इकट्ठे कर लें, बाद में 2-2 रकात पढ़ें, जायज़ है। अगर औरत अय्याम हैज़ की वजह से सारे आकाम पूरे कर लेती है लेकिन तवाफ़े ज़ियारत नहीं करती तो हज नहीं होगा, इसलिए उसको चाहिए कि अपने फ्लाइट जो है आगे करा लें। तो तवाफ़ के बगैर ये तवाफ़े ज़ियारत हज का रुकन है, उसके बगैर हज ही अदा नहीं होगा। वमा अलैना इल्ला बलाग, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم اجعل لنا حجا مبرورا وصايا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجاره لن تبور يا الله سب کی حاضری منظور فرما يا الله سب کی جھولیاں رحمت سے بھر دے يا الله کسی کو بھی اپنے دروازے سے خالی نہ بنا یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین